नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है।